हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है किरमिच की गेंद। यह चौथी क्लास का तीसरा लेसन है हिंदी का। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम हमारा होगा किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पत्तों के पेड़ को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक क्या होता है? एक बांस से बनी हुई चटाई की तरह होती है जिसको घर के बरामदे में लगाया जाता है ताकि अंदर की तरफ धूप न आए। और गर्मी का टाइम था तो छुट्टियां थी, गर्मी की यानी कि मई या जून का टाइम होगा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इसलिए उनको लगा के रखते हैं। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह मतलब जब खाना बनाते टाइम जब तवा तपता है नीचे आग से, वैसे ही धरती भी तप रही थी। वैसे ही धरती में भी जलन थी, मतलब अंदर से उसके अंदर से ऐसे ही भाप निकल रही थी। पर दिनेश को पैरों में जलन की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। अब क्यारी क्या होता है? छोटी छोटी जगह बना देते हैं अलग से पेड़ पौधे लगाने के लिए। एक और सीताफल की घनी बेल थी। अब एक तो होते हैं पौधे, पौधे क्या होते हैं? अपने आप अपनी उनकी खुद की डंडियां होती हैं, नीचे से ब्रांचेस उनकी निकली हुई होती है। जो बेल होती है उसकी ब्रांचेस नहीं होती, उसको किसी चीज के सहारे खड़ा करना पड़ता है। या तो किसी दीवार पे लगा दिया जाता है ताकि वो दीवार के सहारे खड़ी हो जाए, या फिर उसके लिए अलग से डंडी लगाई जाती है ताकि वो डंडी के सहारे ऊपर उठ सके। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। तो उसने शुरू कर दिया वहां पर ढूंढना। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेलें छान मारी। अब भिंडियों में कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया, सीताफल की बेल भी छान ली। बराबर में ही घूस के ने गड्ढा बना रखा था। घूस क्या होता है? जो चूहा होता है उसी की तरह होता है लेकिन उससे बहुत बड़ा होता है, मतलब दो चूहों को मिलाकर एक घूस को बना देते हैं, बड़े वाले चूहों को। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो उसको वहां पर क्या मिल गई? ये गेंद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अब 3 मंजिली मतलब जिसकी 3 मंजिल होती हैं, 3 फ्लोर्स होते हैं वो। छत की मुंडेर के ऊपर नीचे तक से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर मतलब हम छत पे चढ़ते हैं तो आगे जो बाउंड्री लगी होती है उसे बोलते हैं मुंडेर। वहां से लेकर नीचे तक क्या थी? बहुत तेज धूप थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? ये सब वो क्या कर रहा है, मन में सोच रहा है। कौन है हो, यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी यानी कि आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया यानी कि अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
एक क्लब बनाया हुआ था, क्लब मतलब एक ग्रुप बनाया था अपना बच्चों का। उस क्लब में सभी बच्चे बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। यानी कि जब भी उन्हें नई बॉल लेके आनी होती तो सब अपने घरों से कुछ कुछ पैसे लेके आते और बॉल ले आते थे अपने पैसे इकट्ठे करके। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि वह गेंद कैसी दिखती है या क्या कलर है, वो सब कुछ उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? इसमें कौन सा मुश्किल काम है? अगर कोई भी हो, आप उसको चीज दिखा दोगे तो उसके बारे में सब कुछ बता देगा। बिना देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी। तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। और उसके बाद क्या हुआ, वो गेंद लेने के लिए अपने घर चला गया। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकान पे जितनी गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। तो सुनील से क्यों लेगा? क्योंकि सुनील ने उसकी गेंद फेंकी थी। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। तो दिनेश का मन क्या था कि वो सबके साथ उस गेंद से खेले और दीपक चाहता था कि वो गेंद उसे मिल जाए। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। थोड़ी देर खेले ही थे कि वो जो है गेंद स्कूटर में गिर गई। ये देखो, जालीदार जो सामान रखने की जगह होती है वहां पर।
स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो ये किसने लिखी थी? शांता कुमारी जैन ने, कि किरमिच की गेंद की, उन्हें कैसे गेंद मिलती है और वो क्या क्या होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो अब हम करेंगे, कहानी से रिलेटेड है। पहले पहला है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हैं। तो वो कौन सी मशीन चला रही थी? वो मोस्टली सिलाई मशीन चलाती हैं घर पर गर्मियों के टाइम पे, ताकि कुछ सिलना हो तो वो सब हो जाए। तो कौन सी मशीन चला रहे थे? सिलाई मशीन। और वह सिलाई मशीन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? या तो आपको अपने घर पे मिलेगी या फिर दर्जी के पास। दूसरा है, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश ने सारी सीताफल की बेलें छान मारी, मतलब सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वो ढूंढ क्या रहा था उस टाइम पर? वो गेंद ढूंढ रहा था जिसकी उसे आवाज आई थी जब वो अंदर था। दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश को पता कैसे चला होगा कि क्यारी में गेंद ही गिरी है? उसको उसकी आवाज से पता चला, क्योंकि जब भी बॉल गिरती है, अगर गेंद को आप गिरा के देखोगे तो पहली बात ये कि उसमें आवाज आएगी, और दूसरी वो एक बार में नहीं गिरेगी, वो दो तीन बार टप्पा खाती है उसके बाद गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं है? क्योंकि दिनेश को जो गेंद मिली थी वो बिल्कुल नई थी, और जो दीपक अपनी गेंद के बारे में बोल रहा था वो क्या था? 5-6 महीने पुरानी थी। और वो अगर कोई भी पुरानी चीज अगर आपकी गुम हो गई है और अगर आप उसको बाद में ढूंढेंगे तो उस पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी होगी, और जो गेंद दिनेश को मिली थी उस पर कोई भी धूल मिट्टी नहीं लगी थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? दीपक इसलिए इस गेंद को अपनी बता रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वह गेंद उसे मिल जाए और वो उसके साथ खेले। अब आपको बताना है कि गेंद किसकी। पहला क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी? दीपक ने क्या क्या बोला था? दीपक ने बोला कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, और मेरी गेंद पर भी लाल रंग का ऐसा ही निशान था, और मेरी गेंद भी टप्पा गिराने पर, मतलब नीचे फेंकने पर, उसके टप्पे में से ऐसी ही आवाज आती थी, और मैं अपने पापा से भी बुलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। दूसरा है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? और यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? अगर दोनों आ जाएं तो हम गेंद दिनेश को देंगे, क्योंकि दिनेश जो है झूठ नहीं बोल रहा था। उसको गेंद मिली तो उसने सबसे पूछा कि यह गेंद किसकी है, जबकि दीपक जो है सबसे झूठ बोल रहा था कि यह गेंद उसकी है। उसके बाद है, गेंद स्कूटर के साथ चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ सोचकर बताओ, यानी कि आपको गेंद के आगे की कहानी बतानी है। तो गेंद जो स्कूटर के साथ चली गई होगी, फिर स्कूटर वाला अपने घर गया होगा, तो वहां पर उसके बच्चों को वो गेंद मिली होगी, और बच्चे उसको पाकर बहुत खुश हो गए होंगे और उसके साथ खेल रहे होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि एक दिन उनसे भी जोर से लग गया होगा, वो गेंद बाहर चली गई होगी और भी किसी और के पास। अब नेक्स्ट है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज सके। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। अगर आपका कोई भी फेवरेट खिलौना जो है वो गुम हो जाए और आपके फ्रेंड्स घर पर आए, तो आपको उन्हें बताना है कि वो आपके ढूंढने में मदद कर सके। तो आपको अपने खिलौने के बारे में उन्हें बताना है कि आपका कौन सा खिलौना गुम हो गया है और उसकी क्या क्या खासियत थी, उसने क्या करा था, या उसका कलर कैसा था। जैसे अभी मैं एक गुड़िया के बारे में लिखूंगी या बताऊंगी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो है मेरा खिलौना क्या था, एक गुड़िया थी। उसके बाद आप उसका कलर बता सकते हैं, उसके बालों का कलर बता सकते हैं, जैसे उसके बाल जो भी आप चाहें, उसके बाल जिस कलर के भी हों, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लाल रंग के थे। फिर आप उसके कपड़ों के बारे में बता सकते हैं,
कपड़े क्या पहनती है गुड़िया? तो फ्रॉक पहनती है, जींस वगैरह पहनती है। तो उसने ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, जो भी आपको अच्छा लगे वो फ्रॉक यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर कोई भी और ड्रेस आपको जो अच्छी लगे, या आपका जो भी कोई खिलौना है जो आपका फेवरेट है, उसकी सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी पहचान के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पौधे क्या होते हैं, जिसकी खुद की ब्रांचेज होती है, और बेल क्या है, उसकी ब्रांचेज नहीं होती, वो सीधे ही ऊपर की तरफ जाती है, उसको सहारा देने के लिए कोई ब्रांच या कोई लकड़ी या किसी के सहारे बांधा जाता है। तो अभी आपको बताना है कि सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा होता है, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां और बेल, कौन कौन सी सब्जियां जे जो बेल और पौधे पर लगती हैं। बेल वाली अलग लिखनी है और पौधे वाली अलग। जैसे हमने बेल वाली लिखी, एक तो हमारे पास यही है सीताफल, दूसरा हो सकता है लौकी, फिर तोरी, उसके बाद है परवल, जो पेठा होता है वो, ककड़ी भी इसके अंदर आ सकती है। पौधे में कौन कौन से हैं, जैसे एक तो भिंडी होगी, भिंडी का पौधा तो इन्होंने ही बताया है, दूसरा गोभी, गोभी का भी पौधा होता है, जो मिर्च होती है, हरी मिर्च लाल मिर्च, उनके भी क्या होते हैं, पौधे होते हैं। उसके बाद बैंगन, बैंगन का भी क्या होता है, पौधा। तो ये हम बेल और पौधे में लिख सकते हैं, टमाटर भी लिख सकते हैं पौधे के अंदर। अब तरह तरह की गेंदे, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंद की सूची बनानी है कि कौन से गेम में कौन सी गेंद यूज होती है। जैसे अभी क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर फुटबॉल, फुटबॉल के बाद दूसरा गेम कौन सा हो सकता है, हॉकी, हॉकी के बाद टेनिस, और एक और लिख सकते हैं बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इन पे बताना है कौन सी यूज होती है, जैसे क्रिकेट में कौन सी लिखी इन्होंने, किरमिच की, तो फुटबॉल में कौन सी होती है, चमड़े की गेंद जिसमें हवा भरते हैं, हॉकी में कौन सी होती है, रबड़ की, और बिल्कुल छोटी सी होती है वो, टेनिस में कौन सी होती है, प्लास्टिक की, ताकि वो ज्यादा उछले और दूर तक जाए, क्योंकि उसको मतलब थोड़ा उछलना भी होता है और थोड़ा सा आगे की तरफ भी जाना होता है। उसके बाद फिर वॉलीबॉल आ गया, वॉलीबॉल में भी कौन सी होती है, चमड़े की। तो ये हमारी गेम्स थे और उनकी बॉल्स थी, कौन कौन सी यूज होती है। अब आपको अपने आसपास खोजना है, क्या खोजना है वो देखते हैं। दिनेश चीक सरकाकर बरामदे की ओर भागा, मतलब चीक वो जो बताया था कि एक बांस का बना होता है चटाई की तरह, उसको सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, आपको ये चर्चा करनी है, मतलब आपस में बात करनी है। तो पर्दा क्या होता है, चिक जो है उसमें थोड़ी जालियां, जाली टाइप की होती है चिक जो होती है, जैसे मतलब एक डंडी ऊपर लगा दी, थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर दूसरी डंडी लगा दी है, या मूवीज में भी देखते होगे खिड़की के ऊपर लगी होती है वो लकड़ी की तरह हमें लगती है, तो वो होती है हमारी चिक। और पर्दा क्या होता है, पर्दा नॉर्मल सीधा होता है, कपड़े का बना होता है, और चिक जो है वो बांस की तिलियों की बनी होती है, बिल्कुल बांस की तिलियां मतलब एक सॉफ्ट सी लकड़ी होती है, बिल्कुल उनकी बनी होती है। तो इनमें ये फर्क हो गया। इसी तरह इन शब्दों में भी आपको अंतर पता लगाना, जैसे टहनी और तना। अब तना क्या होता है, जो पेड़ स्टार्टिंग से जड़ से लेकर ऊपर तक जाता है, जैसे ये हमारा पेड़ है, तो ये जो चीजें होती हैं, ये वाला ये होता है तना, और इसके अंदर से जो ये निकले होते हैं इसे हम बोलते हैं ब्रांचेस, ये जो हो गए इन्हें बोलते हैं टहनी, और ये जो नीचे का बड़ा और भारी वाला पार्ट होता है वो होता है उसका तना, और ये जो ऊपर की होती हैं ये होती है उसकी टहनियां, जिनको हम इंग्लिश में ब्रांचेस भी बोलते हैं। पेड़ और पौधे, अब पेड़ में क्या फर्क है, ये तो हो गया हमारा पूरा पेड़, और पौधे क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उन वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते,
जो उनके फ्रूट्स हैं या फिर जो भी उनके ऊपर लगना होता है वो इसी पे लग जाता है, वो सिर्फ इतने ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। घूस और चूहा, चूहा जो मैंने बताया था छोटा सा होता है जो आपके नॉर्मल घरों में मिल जाता है, और घूस क्या होता है बड़ा होता है, चूहे के डबल साइज का, जो बड़े वाला आपको चूहा दिखे उसका डबल साइज सोच लेना। मुंडेर और चार दीवारी, अब मुंडेर और चार दीवारी क्या होता है, छत के ऊपर जो बाउंड्री बनी होती है, ऊपर छत के ऊपर की तरफ जो बनी होती है, जैसे ये हमारी छत लगा लो, इसके ऊपर ऐसे हम बाउंड्री बना देते हैं ताकि नीचे झुके तो गिरने का डर ना हो। तो ये तो होती है हमारी मुंडेर, और चार दीवारी जो घर के चारों तरफ बनी होती है, ये जो चार दीवारी घर के चारों तरफ या आपकी बिल्डिंग के चारों तरफ जो बनी होती है उसे बोलते हैं चार दीवारी। आगे देखिए, चिक सरकंडे से बनी होती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास से पता करो, लिखो। सरकंडा भी एक तरह से बांस की तरह ही होता है, बिल्कुल पतली सी डंडी होती है, उससे और क्या क्या बनता है वो सब लिखना है। तो उससे क्या क्या बनता है, एक तो बनती है टोकरी, और कई बार अगर आप गांव गए हो तो आपने देखा होगा गेहूं छान रहे होते हैं तो वो छाछ भी जो है उससे बनता है, और इससे क्या बनता है, कलम बनती है। कलम और क्या हो सकता है, चटाई और सूप, या जो भी आप मतलब अगर आप छाछ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वो सब इससे बनते हैं। आगे है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, क्लब बना रखा था, आपको भी ऐसे ही बनाना है। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेलकूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा, मतलब जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी उनको तैयार करेगा। अब फर्स्ट है कि इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। पहले आपको इसके नियम बताने कि क्या क्या रूल्स होंगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे, कि जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं जिनका इंटरेस्ट है सिर्फ वो ही इसमें आएंगे, और जो हमारे क्लब की बैठक होगी उसमें आना होगा, वो सभी बारी बारी से बोलेंगे, और गेम के जो भी रूल्स हैं वो सब यहाँ पर तय किए जाएंगे, और सब अनुशासन में रहेंगे यानी कि डिसिप्लिन में रहेंगे, और सब कैप्टन की बात मानेंगे। दूसरा है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, जो आपका कारण बताओ, है या नहीं। हाँ, क्योंकि अगर किसी भी चीज में कोई रूल्स होंगे ही नहीं तो हम मानेंगे क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए कोई भी काम हो उसको करने के लिए नियमों की जरूरत होती है। एक दो तीन, अब दिनेश ने तीन मंजिली इमारत की ओर देखा, जिस इमारत में तीन मंजिलें हों उसे क्या बोलते हैं, तीन मंजिली, बताओ इन्हें क्या कहेंगे। अब जिसमें दो इमारतें हों उसे क्या कहेंगे, दो मंजिला मकान या दो मंजिली इमारत। उसके बाद जिस स्कूटर में दो पहिए हों उसे क्या बोलते हैं, दुपहिया, मतलब जो चीजें दो होती हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं, दू। जिस झंडे में तीन रंग हो, जो जैसे कि हमारा झंडा है तिरंगा। जिस जगह पर चार राहें मिलती हो, चारों राहें एक साथ आती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चौराहा। चार हो गई चौराहा, चार राहें चौराहा। जिस स्कूटर के तीन पहिए हो तो उसे क्या बोलेंगे, तिपहिया। जैसे तीन मंजिला था वैसे ती पहिया। अब सब्जी एक नाम अनेक, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। अब बताओ कि तुम्हारे घर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अमरूद लिख सकते हैं कि अमरूद यूज किया जाता है, सीताफल, घिया, तरबूज, ये सब यूज किए जाते हैं, और बाकी नामों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको बताने हैं। जैसे कांधा, कांदा कहाँ यूज होता है, गुजरात में, मैं उसी के सामने लिख देती हूँ यहाँ पर। गुजरात,
उसके बाद है बटाटा। बटाटा भी कहाँ यूज होता है? गुजरात में। नेनुआ, नेनुआ कहाँ यूज होता है? बिहार। काशीफल, काशीफल कहाँ यूज होता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। और एक ये वाला वर्ड कुम्हड़ा, ये मैंने पहली बार सुना है, तो ये भी कहाँ यूज होता है? बिहार में। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दोनों जगह पर ये यूज होता है। तो ये थे हमारे आज के आंसर और क्वेश्चंस जो हमने किए हैं। और हमारे लेसन का नाम क्या था? किरमिच की गेंद। इसमें बताया गया कि कैसे वो गेंद उनको मिलती है, फिर क्या क्या होता है, फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो आज के लिए